असम के लोकसभा सांसद निर्दलीय वैनव कुमार सरनिया के आगमन पर रेस्ट हाउस में राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के द्वारा भव्य स्वागत किया गया एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान श्री सरनिया जी ने सभी पत्रकार बंधुओं को नमन किया एवं अपनी बातें जनता तक पहुंचाने की सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन किया। सरनिया जी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार महंगाई बेरोजगारी से युवा लोगों को भटका रही है, आत्मनिर्भरता के नाम पर लोगों को चाशनी खिला रही है और आज मध्य प्रदेश में फ्री की रेवड़ी बांट बांट कर लोगों को निकम्मा बना रही है। सरकार पर निशाना साधते हुए सरनिया ने कहा है कि इस सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं, जनता को यह सोचने का विषय है। मेरा जनता से अपील है कि आप सभी सरकार का उपचार करें और हमारी पार्टी गढ़ सुरक्षा पार्टी पर विश्वास करें। हमारी पार्टी विधानसभा के सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एवं बेरोजगारी महंगाई हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा होगा। बया नगरी में जो हमारा उत्सव मना रहे हैं उसमें हमको शामिल होना है। यहाँ का लोगों को जो इश्यू है, जो उन लोग क्या चाह रहे हैं, क्या करने वाला है, वो पार्टी वाला क्या है, सबको हमको जानने के लिए हम आए हुए हैं। क्योंकि आपको पता ही है मध्य प्रदेश शासन में चाहे आदिवासी भी हो, चाहे सामान्य, चाहे ओबीसी एससी हो, जो भी हो, लोग हो, वो खुश नहीं है। बीच बीच में बदलाव होता है, बीजेपी आता है, बीजेपी और कांग्रेस आता है, फिर कांग्रेस तो यू हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ का लोग भी सोच रहे हैं एक अगर महाबदलाव ये इसमें होगा मध्य प्रदेश में तो लोगों के लिए अच्छा भलाई के लिए, क्योंकि बदलाव तो कर लिया कांग्रेस बीजेपी ने कर लिया, लेकिन अभी सबको बदलाव चाहिए। मध्य प्रदेश में अब हमारे युवा साथी लोग काफ़ी मैदान में आ चुके हैं और मेरा तो यही प्रचलित है कि मैं जो हम सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी समाज को लेकर चल रहे हैं, सर्वधर्म समभाव से न रहे अभाव राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के लोगों को मैंने सबके हितों के लिए और सबके मैंने जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर हम राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी हमेशा से लड़ाई लड़ती आ रही है और सभी को न्याय दिलाने का काम कर रही है।